Hello everyone, this is Jassi, faculty of English. Welcome to our channel, Goodluck Institute, a station of English language, hashtag English for success. Today, we are going to learn how to address time to anyone in English with a few easy steps. But before we begin, don't forget to subscribe our channel Goodluck Institute and hit the bell icon for the future updates. Generally, we have five important points to tell time to anyone in English. But the first one is past, second is to, third half past, fourth quarter past, next quarter to. So these are the most important five points which we will use to tell time to anyone. Let's move to the first one. When you ask time to anyone, you generally ask, what's the time now? For an example, time hua hai 12:10. Hum yahan par use karte hain apna pehla point past. Example hai hamare paas 12:10. Ab hum is 12:10 ko time ko English mein kaise batayenge? Hum isko bol sakte hain, it's 10 minutes past 12. Aur aap isko aur asaan karke bol sakte hain, 10 past 12. हम अगली तरफ मूव करते हैं. अगला है हमारे पास यहाँ पर यूज ऑफ टू. जब भी बात होती है बजने में तो हमेशा आपका यूज किया जाएगा टू. एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर 12:50, यानी 1:10. तो बजने में हम क्या यूज करेंगे? टू. एग्जांपल हमने जैसे आपको बताया कि 12:50 हो रहा है, यानी 1:10. तो हमने क्या बनाया यहाँ पर? इट्स 10:01. हमने मिनट फिर पहले लिखे, फिर हमने टू का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारा बजने में बात हो रही है. कितने बजने में? 1:00. तो हमने आखिर में यहाँ पर 1 लिखा. और इसको आप छोटा करके बना सकते हो, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो 10:01. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है यूज ऑफ हाफ पास्ट. हाफ पास्ट का यूज तभी आप करेंगे जब भी आपके पास 30 मिनट्स का टाइम होता है, जैसे 9:30, 10:30, 11:30, 12:00. हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 12:30, यानी 12:30. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हाफ पास्ट 12. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल यूज ऑफ क्वार्टर पास्ट. क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, और पास्ट अगर यहाँ पर लग गया तो इसका मतलब 15 मिनट ज़्यादा. तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 12:15, यानी 12:15. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स क्वार्टर पास्ट 12, यानी 12:15. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यूज ऑफ क्वार्टर टू. क्वार्टर टू का मतलब हो गया पौना, यानी 15 मिनट बजने में. जैसे एग्जांपल है हमारा 11:45, यानी 11:45 का मतलब हुआ कि हमारा 12 बजने में यहाँ पर 15 मिनट बाकी है. तो हम क्या यूज करेंगे? इट्स क्वार्टर टू 12, यानी 12:15. कभी भी अगर आपके पास शार्प टाइमिंग होती है, 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, तो आप उसके लिए ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है 10 बजा है, तो उसको हम बोलेंगे इट्स 10 o'clock. इसी के साथ साथ आपके पास दो AM और PM होते हैं. AM हम सुबह के 12 बजे से पहले यूज़ करते हैं, और PM जो है हम 12 बजे के बाद इस्तेमाल करते हैं. AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियम, और PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम.
इसी के साथ साथ आखिर में मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं सम यूजफुल सेंटेंसेस रिलेटेड टाइम। ये सारे वो सेंटेंसेज हैं जो आप टाइम के अनुसार इस्तेमाल करते हो, इनको आप पढ़ के देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी हिंदी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, आपको इनका हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और आगे की न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है, आगे आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।